आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ बना के खाने का, पर मेरा इच्छा नहीं हो रही थी कुछ बना के खाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना म्यूनिस सैंडविच बनाया जाए। तो मैं आपको म्यूनिस सैंडविच बना के दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है, चारों स्लाइसों को साइडों से अच्छी तरह से कट कर लिया है। मैंने गाजर को कट कर लिया है, एक शिमला मिर्च को मैंने कट किया है, और मैंने टमाटर को अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब मैं दोनों प्याज को और हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह से कट कर लूँगा। उसके बाद मैं रेसिपी को स्टार्ट करता हूँ। मैंने सबसे पहले प्याज को ले लिया है, इसमें मैं गाजर को ऐड कर दूँगा और इसमें टमाटर को मैं ऐड कर दूंगा। इसके बाद मैं शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर दूंगा। अब क्या करते हैं, हम इसमें म्यूनिस को ऐड कर देते हैं। म्यूनिस को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप म्यूनिस को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, अब ऐसे मैंने लिमिटेड मात्रा में लिया है, इतना ही मात्रा बहुत होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मसालों को डालना स्टार्ट करेंगे। तो हम नमक को और मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर देंगे। हमने आधी चम्मच नमक लिया है और इसमें मिर्च को हमने नाम मात्र के लिए डाला है, जिससे कि टेस्ट इसमें हल्का सा ही मिर्च का रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड किया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब क्या करते हैं, हम इसके ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया को ऐड कर देंगे। अब हम ब्रेड सैंडविच अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्लाइस को लेंगे, उस स्लाइस को दोनों तरफ से अच्छी तरह से मक्खन में लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर से ब्रेड को लगाने लगेंगे, म्यूनिस को अपनी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रेड को सैंडविच को हम फिल कर लेते हैं। जैसे ही हमारी फिलिंग हो जाएंगी, हमारी ब्रेड सैंडविच बनकर रेडी हो जाएंगी। आप लोग भी इसी तरह सैंडविच बना के रेडी कर सकते हैं। देखिए मेरी सैंडविच बनकर रेडी हुई है, ये देखने में ही कितनी अच्छी लग रही हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक बार आप लोग भी ज़रूर बना के देखें। ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाती है, रेसिपी बहुत ही शानदार।